2051 2081 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
के सत्सानिध्य में कराना चाहते हैं उचित परिवार में समाज में देश में राष्ट्र में शांति हो सम्यक की प्राप्ति हो अहिंसामयी धर्म प्रभावना हो देव आज्ञा हेतु आपके चरणों में चलिए सभी लोग उपाय नमो वच्छायाणम उत्तर प्रदेश प्रांते गाजियाबाद नाम नगरे राजनगर एक्सटेंशन शुभ स्थाने वीर निर्वाण संवाद 25 से 50 विक्रम संवाद 2081 मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदांतिथो ओम वासरे तदुपरांत चैत्र मासे मंडे बाल ब्रह्मयोगी संस्कार प्रणेता ऋषभ सेन गौतमादि गणधर देव अरहतवली पुष्पदंत भूतवली कुंदादि परंपरा में आचार्य शांति सागर आचार्य आदिसागर आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर आचार्य गुरुवर सौरभ सागर मुनिंदा है चरणारविंदे जलादि मां गुरु आज्ञा जलादि महा आगमन पाम जय स्वाहा। नीचे वाले हॉल में चलते लोग आशीर्वाद लेके
जब लो तीन लोग के नाथ की, जब लो पंच कल्याणक महोत्सव की। आज हम सभी यहाँ पर घट यात्रा में शामिल हो रहे हैं और ये हमारे कुबेर इंद्र हैं जो भगवान को लेके जा रहे हैं और यज्ञनायक हैं, माता पिता हैं और सौधर्म इंद्र हैं। सौधर्म इंद्र कहाँ है हमारे? सौधर्म इंद्र आगे जा रहे हैं, सौधर्म इंद्र आगे जा रहे हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सौधर्म इंद्र जी देखिए, ये हमारे सौधर्म इंद्र हैं और ये श्री जी को लेके जा रहे हैं। देखिए देखिए कितने सुंदर भगवान, दर्शन कर लीजिए। और ये पंच कल्याणक महोत्सव आज से चालू हो रहा है, घट यात्रा महोत्सव चल रहा है, पंडाल में यात्रा हो रही है। कल से जो है गर्भ कल्याणक 5 दिन का पंच कल्याणक होगा और आप सभी आएँ। बहुत ही सुंदर पंच कल्याणक हो रहा है। आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के निर्देशन में ये पंच कल्याणक हो रहा है। हमारा जो पंच कल्याणक हो रहा है आज, उसकी घट यात्रा है। हम कलश लेके भगवान जी का अभिषेक करने के लिए जा रही है। जी के सानिध्य में हो रहा है आज। हम बहुत खुश हैं हमारे राजनगर एक्सटेंशन में इतना बढ़िया, इतना अच्छा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। सौरभ सागर महाराज जी के सानिध्य में हमारे यहाँ पंच कल्याणक होने जा रहे हैं और हम सब बहुत खुश हैं। और राजनगर एक्सटेंशन वालों ने हमारा बहुत सहयोग दिया है, हम उनके आभारी हैं। और यहाँ की सुरक्षा हमारे लिए अच्छे आदरणीय है। नैमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर राजनगर एक्सटेंशन में महाराज जी श्री सौरभ सागर महाराज जी के सानिध्य में पंच कल्याणक होने जा रहा है, जिसकी घट यात्रा महोत्सव में हम सभी लोग, सब महिलाएं कलश लेकर शामिल हो रहे हैं और श्री जी को पंडाल तक लेकर जा रहे हैं। वहां श्री जी का अभिषेक करके हम सभी पंच कल्याणक महोत्सव का शुभारम्भ करने जा रहे हैं। जय जिनेन्द्र। पूरे राजनगर एक्सटेंशन में हर्षोल्लास का माहौल है, सभी बहुत खुश हैं। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। आज घट यात्रा स्टार्ट हो गई है, सभी आए और धर्म लाभ पाएं। आज यहाँ पे घट यात्रा निकल रही है बड़े हर्ष और उल्लास के साथ, सभी आनंद ले रहे हैं। और हमारे यहाँ 9 से 14 तारीख तक पंच कल्याणक है, खूब धूमधाम से बड़ा पंच कल्याणक मनाया जा रहा है। 9 से 15 तक चलते रहो। श्रीमान जम्मू प्रसाद जी जय, श्रीमती सरोज जय, श्री संजय जय, श्रीमती नीतू जय, श्री पंकज जय, स्वाति जय, यथार्थ जय, समर्थ जय, अंशिका जय, सुहानी जय, समस्त जेएसपी प्रोजेक्ट दिव्य धना प्रधानम् समुद्रनाता अपि ये परंचय नंदादि देव
विक्रम संवत 2081 मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा नव संवत्सर प्रारंभ दिवसे तत् दिगंबर जैन तत् आदरणीय श्री जम्बू प्रसाद जी नाम देश सब परिवार से संजय कुमार जी पंकज कुमार जी सब परिवार से सकल कुल गोत्र परिवार पुण्यार्थे वृद्धार्थे मंगल ध्वजारोहण स्थले परम पूज आचार्य गुरुवर सौरभ सागर सशक्त सानिध्यो मंगल कुंभ कलश संस्थापयामि स्वाहा पंचवर्ण चूर्ण दे दो ओम रीम अमित तेज से श्वेत वर्णे चूड़े संस्थापया आकर्षणा रक्त वर्णे चूड़े संस्थापया स्वाहा ओम कृष्णवर्णाय सर्व सत्र मतनाय घे घे कृष्णवर्णे चूड़े संस्थापया स्वाहा अर्घ ले ले अरे मानो की Bolle devan desi kalyan mein
दुपट्टे के बाद ही ऊपर आना। इंद्राणिया आप लोग एक तरफ बैठ जाओ। आपके बहुमान के लिए निवेदन है, अध्यक्ष
भावंदन में आप यहाँ जो आए आपको भावंदन है ये नगरी ये बेला भावन है प्रज्वलन द्वारा परिवार करें मंगलम भगवान वीरो
मंगलम गोटि मोगणी मंगलम पुष्प दंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम दुरंत मोहन सांतन कंतार्थम चुमम धर्मे प्रज्वलानामनि ज्वाला पल्लवितांब्रम ओम ब्रीम अज्ञान तुमरम दीपकम प्रज्वलयामीति स्वाहा ओ बंधु रे आपसे मिलकर के अनुनय विनय के साथ चले निवेदन आग्रह का पुण्य लेकर के चले कि हम सभी को नमोस्तु हे गुरुदेव नमोस्तु जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का परम पूज्य संस्कार पंडित आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की श्री विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परम धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज के बोले परम पूज्य संस्कार प्रणेत आचार्य गुरुवर श्री सौरभ सागर जी मुनि महाराज की समस्त आचार संघ की धर्म स्नेह भव्य आत्माओं नेमिनाथ जिन बिंब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आज शंखनाद हो रहा है चिन्ह भी शंख का है और संस्कारों की ध्वनि भी है क्योंकि जैन दर्शन में परमात्मा ऊपर से नीचे की ओर नहीं आते हैं अभी तो इंसान के भीतर जब नैतिकता सात्विकता धार्मिकता साधना और ध्यान का आगमन होता है तो उसकी आत्मा की मलिनता निर्मलता में निरंतर बदलती चली जाती है लेकिन निर्मलता की धारा को प्राप्त करने के लिए एक भाव की साधना पर्याप्त नहीं होती है अनेक भावों की आराधना और साधना जब पुण्य का विस्तार करने लग जाती है तब किसी आत्मा में इंसान से भगवान बनने का गुण पैदा होता है इसीलिए आप ये नहीं सोचिए कि एक बार हम पंचकल्याणक में परमात्मा की आराधना कर लेंगे तो हमारा आगामी जीवन परमात्मा में हो जाएगा सुख में हो जाएगा ये मत सोचो ये सोच करके बैठना कि आज मैं केवल इसका शुभारंभ कर रहा हूं आरंभ तो कई बार कर चुके हैं लेकिन हमारी बुद्धि में धर्म के प्रति आस्था पैदा नहीं हुई थी केवल धर्म की क्रिया पैदा हुई थी और जिनके घर में 6 लट्ठे यानी कि और ज्यादा हैं तो अंश गिने ना पंच उसका अपना ही पंचायत होती है ताकत आ जाती है आपके घर में सारे परिवार एक साथ है तो आपकी ताकत अलग है और स्वतंत्र है तो आपकी ताकत ये सारी चीजें व्यवहारिक चीजें हैं जो व्यवहारिक शिक्षाएं आपको दी जाती हैं तो जीवन का ये क्षण है जीवन के इन क्षणों में यही सोचते चले जाना हे प्रभु आज आपका पंचकल्याणक है मेरे जीवन में कुछ भाव आए या ना आए मेरे जीवन में एक भाव तो जरूर आ जाएगा कि अब मेरे घर में कोई भी संतान आएगी तो मैं किसी भी प्रकार में गर्भपात कराने की चेष्टा नहीं करूंगा ये मत कहने आ जाना महाराज जी लड़की हो जाए तो कहते तो लड़का का आशीर्वाद दे दो और पहले लड़का हो बोले महाराज जी हम लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं करते जो भी हो जाए आपका आशीर्वाद इतने मायावी लोग हैं इतने छली लोग हैं आते हैं कहने के लिए कितना मन में पाप है और धर्म पूरा बाहर से चलता है इसलिए महावीर ने कह दिया क्रियात्मक धर्म श्रद्धात्मक हो क्रिया और श्रद्धा जब दोनों मिल जाती है तब मन और तन की पावनता
बढ़ती चली जाती है। उसी मन और तन की पावनता को बढ़ाने के लिए आज आप सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि आपकी आस्था थी 5 दिनों तक निरंतर यहाँ पर रहेंगे और उस परमात्मा को आप देखने लगेंगे। केवल श्रद्धा की आवश्यकता, इसीलिए कहा जाता है आँखों में यदि अरमान है, आँखों में यदि अरमान है तो जहान तुमसे दूर नहीं, पंखों में यदि उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। समोसरण में बैठकर तीर्थंकरों ने यही गीत गाया है, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे। इसलिए अपनी श्रद्धा में चैतन्यता पैदा करते चले जाओ, उसी श्रद्धा में आपके परिवार में शांति की धारा हो, उसके लिए यहाँ पर अब शांति की धारा होगी। कौन सी धारा होगी? शांति धारा होगी। और यही कामना के साथ यत् सुखम त्रिसु लोकेशु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति रस्तु विधियसे। हे प्रभु, यत् सुखम त्रिसु लोकेशु, जो सुख 3 लोक के अधिपति जिनेन्द्र भगवान को मिला है वही सुख मुझे प्राप्त हो। वो सुख कैसा है? व्याधि और व्यसन से रहित है। इसलिए भगवान का जब अभिषेक पूजा पाठ करते हो तो बीमारी से भी दूर रहना और व्यसनों से भी दूर रहना। जब तुम इससे दूर रहोगे अभयम, तुम्हारा जीवन स्वस्थ रहेगा, तो अभयम क्षेम कुशलता आरोग्यम निरोगता प्राप्त होगी। और यही शांति धारा के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करते हैं। उसी प्रार्थना के लिए हम सभी लोग आ गए हैं। आइए सौधर्मेंद्र, आइए माता पिता समुद्र विजय, सौधर्मेंद्र भी आ जाए, और जो भी है यज्ञनायक, और कौन है, कुबेर जी महाराज, सब ले लीजिए अपने अपने कलश, और कलश लेकर के यहाँ शांति धारा कर रहे हैं। शांति धारा में आप सभी लोग शांतिम शांतिम शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? शांतिम शांतिम, जो आप लोग बोलते हैं छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न, उसकी जगह क्या बोलना है? क्या बोलना है? शांतिम शांतिम, क्या बोलना है? हाँ, क्योंकि हम लोग बहुत छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न बोल करके छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न हो गए हैं। क्या हो गए हैं? सब समाज में देखो छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न हो गए। जब से ज्यादा शांति धारा होने लगी है तब से ज्यादा अशांति मच गई। पहले केवल पर्वों पर, त्योहार पर, बड़े विधान पर होता था और पूरे समाज शांति से आनंद के साथ रहती थी। इसीलिए शांतिम शांतिम शब्द का प्रयोग करना। आइए सबके हाथ जुड़ जाएं, सबके हाथ जुड़ जाएं, सबकी निगाहें भगवान की ओर हो। सबका मन नमोकार मंत्र पढ़ रहा हो, और परिवार की, समाज की, राज्य की, देश की शांति की कामना से भरते हुए लीजिए अपने अपने हाथों में कलश। ओम नमः सिद्धेव्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत् नेमिना तीर्थंकराय सर्वगणधन परमिष्ठिताय शुक्लधान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय सिद्धाय विद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख छत्र संगोपसर्ग विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अघातिकर्म विनाशनाय अफवायाम शांतिम शांतिम मृत्युम शांतिम शांतिम अतिकामम शांतिम शांतिम रतिकामम शांतिम शांतिम क्रोध पाप वैरम शांतिम शांतिम अग्नि वायु भयम शांतिम शांतिम सर्वोपसर्गम शांतिम शांतिम सर्वराज चोर दुष्ट भयम शांतिम शांतिम सर्वमृग भयम शांतिम शांतिम सर्वात्म चक्रम शांतिम शांतिम सर्वपर चक्रम शांतिम शांतिम सर्वशूल कुक्षी अक्षी सरो जर रोगम शांतिम शांतिम सर्वकुष्ठ रोगम शांतिम शांतिम सर्व नरमारी सर्व गजस गो महिष मारी सर्व गो महिष सब राष्ट्र देश मारी सर्व धन धान्य मारी सर्व वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फल मारी सर्व राष्ट्र देश मारी सर्व विष ज्वर मारी सर्व वैताल साकनी डाकनी भयानी सर्व कर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्य जो बोलो सौर शांति
सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करण मतन दुणुक संवानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वस्मानानंदनम सर्व दुख हन हन दह दह पच पच कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम् अव्ययम् क्षेमम् आरोग्यम् स्वस्तिरस्तु विधीयते श्रीमस्तु कुलगोत्र धनधान्यम् श्री सभे अजित संभवे अभिनंदन सुमति पद्म सोपार्जिन राय चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांस जिन विमल अनंत धर्म जस उज्जवल शांति कौंथेय मुनि सुब्रत नमी नीमि पार्श प्रभु इति चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो नमो नमो ओम नमो रुद्रे भगवते श्रीमती प्रक्षिण शेष दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व गुण विनाशनाय सर्व गोप संनाशनाय सर्व पुण्य विनाशनाय सर्व पर्क छत्र पद्र विनाशनाय सर्व अरिष्ट छम डामरे विनाशनाय ओम राम रीम रोम रोम नमः स्यौ स नमः सर्व शांतिम करु करु ओम रीम श्रीम क्लीम हेम नमः स्यौ स नमः विद्यानम तणम नमः सर्व शांतिम करो करो ओम नम श्रीम क्लीम हेम नमस्य अवसानत विद्यान वरंतणम नम सर्व शांतिम करो करो ओम नम श्रीम क्लीम हेम नमस्य अवसानत विद्यान वरंतणम नम सर्व शांतिम करो करो ओम नम श्रीम मनसपुण महावीरेंद्राय नमः सर्व सौख्यम करो करो ओम नम श्रीम मनसपुण महावीरेंद्राय नमः सर्व सौख्यम करो करो ओम नम श्रीम मनसपुण महावीरेंद्राय नमः सर्व सौख्यम करो करो ओम नम श्रीम क्लीम हेम नम कलिकुंडन चंडगुरु पासना स्वामी ने अतुल बल वीर पराक्रम धरणि पद्मावती सेविताय मम मातृ विद्याम रक्षक रक्षक प्रविदाम चिंचिन बिनमदा इस फ्रॉम इस प्रेम इस फ्रॉम इस फ्रॉम इस तरह रक्ष रक्ष हुम फट संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देश सिरश्च शिपुरा सुराज्ञा करोतु शांतिं भगवाजिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवाजिनेन्द्र बड़े आनंद के साथ हम सभी लोग यहाँ पर पंच कल्याणक में बैठे हुए हैं। पंडित श्री अजित कुमार जी शास्त्री, श्री अशोक कुमार जी शास्त्री, श्री संदीप कुमार जी शास्त्री, तीन विद्वान यहाँ पर आए हैं जो मेरे साथ 200 पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करा चुके हैं। श्री अजित कुमार जी शास्त्री विद्वत्ता के धनी हैं, मंत्रविद भी हैं, वास्तुविद भी हैं, ग्वालियर से हैं, आज यहाँ पर विराजमान हैं। पूरे मंत्र विधि के साथ, आनंद के साथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पंडित अजित कुमार जी, अशोक कुमार जी और संदीप कुमार जी शास्त्री कराएंगे। संगीतकार यहाँ पर केशव आया हुआ है, बड़े आनंद के साथ संगीत का भी आनंद देगा आपको। जितने भी इंद्र इंद्राणी यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी आनंद के साथ परमात्मा की आराधना के लिए बैठेंगे। सभी का संकल्प दृढ़ता से पालन होता चला जाए, यही मेरा मंगलमय आशीर्वाद है। व्यवस्थापक कमेटी जितने भी यहाँ पर हैं बड़े आनंद के साथ, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष और जितने भी समिति यहाँ पर बनी हुई है, सारी समितियाँ बड़े उत्साह के साथ सारी व्यवस्था को कर रहे हैं। यहाँ पर आकर के देखा, आपकी महीनों की मेहनत होती है, हम लोग को एक दिन में पूरा का पूरा लाभ मिल जाता है। महीनों से यहाँ पर लगे हुए थे और बड़े आनंद के साथ सुंदरतम तरीके से कार्य किया। यहाँ के संपूर्ण कार्यकर्ताओं को भी मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद है, इसी प्रकार कार्य करते रहें। और युवाओं की समिति, महिलाओं की समिति यहाँ पर बनी हुई है, नैनम नेमिनाथ नवयुवक मंडल भी है और उसके उपरांत महिला समिति यहाँ पर है बहुत सारी, उनको भी बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद है। भाई संजय कुमार जी जैन, जम्बू प्रसाद जी जैन यहाँ पर वेदी का भी कार्य किया, हाल का भी कार्य किया, द्वार का भी कार्य किया और एक महीने से जब से जयपुर से चला हूँ पंच कल्याणक से पूरा का पूरा समय संजय कुमार जी उनकी टीम यहाँ पर देती चली जा रही है। आज जम्बू प्रसाद जी के सुपुत्र संजय कुमार जी, पंकज कुमार जी जैन ने भी ध्वजा फहरा करके पूरे गाजियाबाद की ध्वजा संपूर्ण देश में पंच कल्याणक की फहराई है, इनको भी बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद है। डीके जैन साहब जो शुरू से यहाँ पर लगे हुए हैं, उनके सुपुत्र भी सारे कार्य के लिए आगे बढ़े हैं, आज मंडप उद्घाटन किया है वीके जैन साहब। अब तक तो मेरे साथ डीके जैन साहब चलता था, कौन चलता था गाजियाबाद में, डीके जैन साहब और उनके पुत्र उनके बाद निरंतर सेवा में लगे हुए हैं वीके जैन। कौन से हैं? अब एक बार वीके जैन बोलोगे तो थ्री विक्ट्री अपने आप ही बन जाएगी, विनय कुमार, विवेक कुमार और वीरांश कुमार, तीनों वी से ही नाम है इनके घर में। बहुत अच्छा, डीके जैन साहब के विनय कुमार जी जैन और श्रीमान अशोक कुमार जी जैन सीए साहब, विवेक कुमार जी जैन जिन्होंने चित्र नारवण किया और दीप प्रज्वलन किया है, इनका भी बहुत बहुत आशीर्वाद कि निरंतर इसी प्रकार जीवन आगे
बढ़ता चला जाए और जितने भी महिलाएं कलश लेकर के आई है उनको भी बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद कि कलश का आनंद आप सभी के जीवन में खुश समृद्धि आनंद के साथ भरता चला जाए और जो श्रोता आते चले जा रहे हैं निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं क्योंकि आज तो शुभारंभ है, लगातार 14 तारीख तक यहां पर कार्यक्रम चलेगा। संपूर्ण कार्यक्रम का ध्यान रखते हुए नेमिनाथ भगवान का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न हो, यही मेरी भावना है, यही सभी लोगों को मेरा मंगलमय आशीर्वाद है। इसी पुनीत भावनाओं के साथ ओम नमः, आपस में हंस के कस के जय। कल आप सभी को विशेष ध्यान रखना है, पूज्याचार्य भगवान का हम द्वितीय आचार्य पदारोहण दिवस यहाँ पर मनाएंगे और 36 मूल गुण के धारी आचार्य भगवंत के हम 36 सौभाग्यशाली परिवार के द्वारा 36 परिवार के द्वारा पाद प्रक्षालन 36 परिवारों के द्वारा हाँ श्रीमान अजय कुमार जी, विजय कुमार जैन कवि नगर गाजियाबाद यहाँ पर पहुंच चुके हैं। निवेदन है आपसे जो सीफल लेकर गुरुदेव के शिष्य चरणों में आए, जिन्होंने यहाँ मंगल में दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया था। श्रीमान अजय जी जैन, विजय जी जैन कवि नगर गाजियाबाद गुरुदेव का आशीष लेने के लिए पहुंचे और कल की बेला में द्वितीय आचार्य पदारोहण में आप सभी 36 मूल गुणधारी हाँ 36 परिवारों द्वारा पाद प्रक्षालन, 36 परिवारों द्वारा शास्त्र भेंट और 36 परिवारों द्वारा महाआरती यहाँ पर की जाएगी। इसी क्रम में हम अजय जी, विजय जी आए गुरुदेव किसी चरणों में, कवि नगर गाजियाबाद, संजय नगर गाजियाबाद, संजय नगर हाँ आप जो भी कमेटी यहाँ पर आई है, कवि नगर जैन मंदिर कमेटी, संजय नगर दिगंबर जैन मंदिर कमेटी भैया कर गुरुदेव का आशीष पाए। और इसी क्रम में मैं अरविंद जी आदरणीय संजय भैया से निवेदन करूंगा कि पूज्य श्री की सन्निधि में ही आचार्य निमंत्रण जिसे विधानाचार्य निमंत्रण कहते हैं, पहले कर लेना था 10:30 बजे हाँ आचार्य निमंत्रण के लिए हाँ सबसे पहले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जिनके प्रतिष्ठा चरित्र में संपूर्ण कार्य यहाँ पर किए जाएंगे आदरणीय संहिता सूरी शताधिक जिन्होंने पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराए हैं पूरे देश में, ऐसे पंडित अजित कुमार जी जैन शास्त्री ग्वालियर से हमारे बीच हैं, एक बार जोरदार तालियां। वंदन है, वंदन है, वंदन है, वंदन है।